हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो की टॉपिक है फ्रिज में रिले ओएलपी। दोस्तों आज का मेरा इस वीडियो का टॉपिक है कि फ्रिज की कंप्रेसर में लगने वाले रिले ओएलपी लगभग दो तरीके के अक्सर मिलते हैं, एक ये कवर वाला और दूसरा यहाँ पर देखते हैं तो ओएलपी अलग होती है, रिले अलग होता है। इस वीडियो में मैं चेक करने का काफ़ी सिंपल आसान से आसान तरीका बताऊंगा ताकि आप अपने ही घर में अपने फ्रिज की कंप्रेसर में लगे हुए रिले ओएलपी चाहे सेट वाला हो या फिर अलग अलग हो काफ़ी सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके बताऊंगा, उसमें आपको सिंपल एक टेस्टर लेना है और देखिए जो वायर होता है उसका थोड़ा सा कट करके छील लेना है। तो मैं यहाँ पर एक तार का टुकड़े को छील दिया हूँ और यहाँ पर टेस्टर में इस तरीके से तार के टुकड़े से देखिए लगानी है और यहाँ पर आप टैपिंग कर सकते हैं क्योंकि तार का टुकड़ा यहाँ से गिरे नहीं। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख सकते हैं मैंने एक तार का टुकड़े को यहाँ पर इस टेस्टर के साथ ज्वाइंट कर दिया है। अब इससे आप अपने घर पर फ्रिज में लगे हुए कंप्रेसर में चाहे रिले इस तरीके का हो या फिर इस तरीके का हो चेक बुक कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। अब यहाँ पर आप ले सकते हैं एक सिंपल तार का टुकड़ा देखिए और एक बिजली की बोर्ड लेनी है। तो मैं यहाँ पर देखिए एक तार का टुकड़ा है उसको यहाँ पर ओएलपी चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पिन बना होता है उसमें इस तरीके से लगा देनी है। ये देखिए अब मैं इसको इस तरीके से पकड़ लेता हूँ। थोड़ा सा सुरक्षा और ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि बिजली का काम होता है तो ध्यान से ही करें। यहाँ पर इस तरीके से मैं बिजली की प्लग में लगा दिया हूँ। सबसे पहले टेस्टर से चेक करूँगा कि क्या करंट इस साइड आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं स्विच ऑन करता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर टेस्टर हमारा जो है जल रहा है, ये देख सकते हैं ठीक उसी तरीके से। अब इस ओएलपी को चेक करना है तो यहाँ पर ओएलपी में एक छेद होता है उसमें टच करके देखना है। अगर आपका टेस्टर यहाँ पर जल रहा है, देखिए जल रहा है तो ओएलपी ठीक है और नहीं जलेगा तो ओएलपी ख़राब है, इस तरीके से चेक करना है। तब स्विच को ऑफ करना है, यहाँ से वायर को निकालना है और यहाँ से इस वायर को अलग करनी है। देखिए सिंपल है, ओएलपी आप चेक कर लिए। अब यहाँ पर रिले को चेक करने का बारी है। तो यहाँ पर देखिए तीन पिन बने हुए हैं, एक दो तीन, किसी में भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर नीचे साइड लगा देता हूँ। देखिए अब इसमें दो छेद बने हुए हैं, फिर से उसी तरीके से इसको बिजली की बोर्ड पे लगाना है। ये देखिए स्विच ऑन करता हूँ, टेस्टर देखता हूँ, यहाँ पर दो छेद बने हुए हैं तो दोनों छेद में डाल कर देखता हूँ टेस्टर यहाँ पर जलता है या नहीं जलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर टेस्टर जो है जल रहा है, ठीक उसी तरीके से इसके दूसरे वाले छेद पर देखना है तो यहाँ पर भी टेस्टर जो है जल रहा है। अगर इन दोनों छेद में आप टेस्टर लगाते हो और किसी छेद पर टेस्टर नहीं जलता है तो ये जो रिले है वो ख़राब है, दोनों पर यहाँ पर जो है टेस्टर जलनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप रिले को भी चेक कर सकते हो। स्विच ऑफ करना है, तार निकालना है, उसके बाद इस रिले को निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये कवर वाला है, इसके साथ दो पिन बने हुए हैं, कंडीशन सेम है। पहले इस तरीके से लगाता हूँ ऊपर के साइड पे, ये देखिए मैंने ऊपर के साइड पे लगा दिया है। तो यहाँ पर फिर से वही तार इस तरीके से डालनी है, इसको ऑन करना है, ऊपर वाला जो होल बना हुआ है ओएलपी का वहाँ पर देखना है, ये देख सकते हैं आप। उसी तरीके से फिर से ऑफ करना है, तार निकालनी है, निकालने के बाद इस पिन को खींचना है और यहाँ पर लगानी है। देखिए इस वाले पे लगानी है। अब मैं यहाँ पर ओएलपी चेक कर रहा हूँ इसका, सॉरी रिले चेक कर रहा हूँ इसका। फिर से इस वायर को इस पर लगाता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ। अब ये जो दो छेद बने हुए हैं इसमें हमें बारी बारी से चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक छेद पे लगाता हूँ, टेस्टर यहाँ पर देख सकते हैं आप जल रहा है। दूसरे वाले पर लगा कर देखता हूँ तो यहाँ पर भी जल रहा है। तो ये जो रिले और ओएलपी है बिल्कुल चालू है। इस तरीके से अगर करता हूँ नहीं जलेगा या फिर इसमें नहीं जलेगा तो ये जो रिले ओएलपी है वो ख़राब है। इस तरीके से चाहे आपके पास अलग अलग कंडीशंस में हो या फिर कवर वाले के साथ एक साथ हो, दोनों ही कंडीशन में आप फ्रिज की
रिले ओएलपी को चेक कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान।